यहाँ उपस्थित प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मुझे यह पूछना चाहती हूँ कि आप जानते हो जून 5 की विशेषता क्या है? पर्यावरण का दिवस हमारे देश में जून 5 में मनाया जाता है, इसलिए आज मैं पर्यावरण के बारे में कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी सहयोग करेंगे और मैं अपने भाषण को शुरू करना चाहती हूँ। पर्यावरण का बारे में बताने को मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि इस समय में इस विषय बहुत प्रासंगिकता का विषय है और आधुनिक काल में इस विषय बहुत प्रासंगिकता करता है और इस विषय का अध्ययन देश के लोगों में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। आप जानते हो पर्यावरण की महत्व क्या है, पर्यावरण की उपयोग क्या है और पर्यावरण को कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमारे जीवन में पर्यावरण को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे भोजन, पानी, आवास और अन्य वस्तुओं की ज़रूरत हमारे चारों ओर के पर्यावरण पर निर्भर होती है। पर्यावरण 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जलीय पर्यावरण, स्थलीय पर्यावरण और वायुमंडलीय पर्यावरण। लेकिन पर्यावरण के साथ पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी बात करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आधुनिक मनुष्यों ने पर्यावरण दुरुपयोग करता है। आप जानते हो आधुनिक मनुष्यों ने पर्यावरण को कैसे दुरुपयोग करता है? कूड़ा कचरा वस्तुओं को डालने का कारण जलाशय प्रदूषण होता है। पेड़ों को काटने से भी पर्यावरण पर असर पड़ती है। कारखानों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण की कारण बनता है। इस अवसर पर मुझे डॉक्टर B.R. अंबेडकर की शब्द याद आ रहे हैं, बुद्धि का विकास मानव की अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कई नियम और कानून बनाए गए हैं, इसलिए हम सब या हर नागरिक पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा है उसका सारांश है कि हमने जिस विषय पर चर्चा की है उसमें नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जितना संभव हो उतना गंभीर अध्ययन और अत्यधिक विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए अपनी आसपास गांव, गली, घर, परिवार में इसके प्रति लोगों को जागरूक करें। आइए हम हाथ मिलाए समाज की ऐसी समस्याओं को हल करने और आने वाले कल को सुंदर बनाने के लिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा यह भाषण पसंद आया होगा और मैं आप सबको मेरा भाषण को सुनने में धीरज रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।